जब तक वीज़ा नहीं लगता दैट्स अ डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया फॉर यू गाइस, लेकिन जिस टाइम वीज़ा लग जाता है तो ऑस्ट्रेलिया इज़ डिफरेंट फॉर यू गाइस। कि अगर आप जल्दी आते हैं तो दो तीन चीज़ें हैं, अकोमोडेशन यहाँ पे और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको 8 से 10 हफ्ते लग रहे हैं अकोमोडेशन ढूंढने में। हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ उन सब लोगों के बारे में जिनके वीज़ा ग्रांट हो गए हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दो जरिंदा फेस के अपना वीज़ा भी लॉन्च करना होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो यूनिवर्सिटी से ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग इस टाइम ऐसे हैं जो वीज़ा लॉन्च करके वीज़े का ग्रांट का वेट कर रहे हैं। लेकिन इन पैरेलल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्रुप में पूछा एंड देन दे हैव टेक्स्टेड मी पर्सनली कि उनके वीज़ाज़ ग्रांट हो गए, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है, जब तक वीज़ा नहीं लगता दैट्स अ डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया फॉर यू गाइस, लेकिन जिस टाइम वीज़ा लग जाता है तो ऑस्ट्रेलिया इज़ डिफरेंट फॉर यू गाइस। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग यहाँ हैं तो आप लोगों को ये फील ना हो कि यार जो ऑस्ट्रेलिया हमें वहाँ से बताया जाता था या जो ऑस्ट्रेलिया हम वहाँ से बैठ के देखते थे दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया इन हेयर। डरा नहीं रहा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि जो प्रदेश होता है दैट इज़ अ बिट टफ, अ बिट हार्ड, अ बिट रफ एज कम्पेयर टू योर होम कंट्री। आप अपने घर वालों को छोड़ के आ रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर दे विल डेफिनेटली स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ होम सिकनेस। फिर यहाँ पे आके लोगों से मिलना, नए ताल्लुकात बनाना, नए लोगों से बात करना, फिर नए रिश्ते ढूंढना या नए दोस्त ढूंढना, दैट्स अ डिफरेंट एंड दैट्स अ टफ जॉब। बहरहाल मैं बात करने लगा था उन लोगों की जो आ रहे हैं, ये वीडियो उन सब के लिए जिनके वीज़ाज ग्रांट हो गए एंड नाउ दे आर टारगेटिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। तो उनके लिए मेरे कुछ आप कह लें मैसेजेस हैं या कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड हैं। उसमें से सबसे पहला पॉइंट जो है वो मैं बात करना चाहूँगा कि जब आप यहाँ आ रहे हैं डोंट ओवरलोड योर स्टाफ। आप जो अपने सामान की पैकिंग कर रहे होंगे बिकॉज कि आपको या तो 25 kg अलाउ होगा या 30 kg अलाउ होगा, उस 25 से 30 kg में मेक श्योर करें कि आप कोई फालतू चीज़ रख के नहीं ला रहे हैं, बिकॉज इफ़ यू आर बोर्डिंग दैट अननेसेसरी स्टाफ, जिसमें क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से हैं तो हमें कहा जाता है कि यार बर्तन ले जाओ, वहाँ जाके पैसे ना ज़ाया करना। अच्छा, फिर साथ ही कहा जाता है कि यार कंबल भी ले जाओ, रज़ाई भी ले जाओ। डोंट डू दैट। मैं भी नहीं रहा था, मैं सबको मशा दूंगा कि कोई भी ऐसा काम ना करें, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू डू दैट आप अपने 4 से 5 kg अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। सो मेक श्योर करें कि आप ये काम नहीं करें, सिर्फ वही चीज़ें लाएँ जो नेसेसरी है। मेरी दूसरी वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, वो वाली वीडियो जाके देख लें, उसमें मैंने लिस्ट पहले चीज़ें बताई थी कि अगर आप लड़कियां तो व्हाट यू शुड बाय और अगर आप लड़की हैं तो व्हाट यू शुड ब्रिंग विद यू व्हेन यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। देन मूविंग ऑन, दूसरी बात जो करना चाहूँगा, अपना ड्राइवर लाइसेंस। बड़ी कॉमन डिबेट है, बड़ा हॉट टॉपिक है, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि यार अपना ड्राइवर लाइसेंस है, इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस ले जाओ। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं कोई इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस नहीं लेके आया था। मेरा जो ड्राइवर लाइसेंस था दैट इज़ नॉर्मल। अगर तो आपका ड्राइवर लाइसेंस है वो इशू हुआ थ्रू प्रॉपर आपके लिए रेलिवेंट अथॉरिटी, और अगर वो बैक ट्रैक ऑनलाइन वेबसाइट पर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि दैट हैज़ बीन इशूड थ्रू प्रॉपर अथॉरिटी, तो इंटरनेशनल लाइसेंस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मिथ है कि इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं होगा तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। आपका अगर लाइसेंस उर्दू में है तो मेक श्योर ट्रांसलेट दैट, या उस केस में आप अपना ड्राइवर लाइसेंस जो है वो जाके अपनी इंटरनेशनल बनवा लें। लेकिन उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस बनाने की। आप 6 महीने तक उसके ऊपर ड्राइव कर सकते हैं एज़ फार एज़ विक्टोरिया इज़ कंसर्न। उसके बाद आपको अपना ड्राइवर लाइसेंस जो है वो कन्वर्ट कराना होगा रेलिवेंट स्टेट के लाइसेंस के अंदर। तीसरी बात, अगर मैं बात करूँ कितने पैसे लेके आए, देखिए पैसों की बात अगर मैं करूँ तो आप लोगों को जो पैसे मैं वीडियोस में बता रहा हूँ या जो मैं आप लोगों से शेयर आउट भी कर रहा हूँ दैट इज़ के जो पैसे आपने लेके आने हैं वो एटलीस्ट इतने होने चाहिए कि आप महीने का रेंट पे कर सकें, ग्रॉसरीज ले सकें। उसके अलावा आप इनिशियली जब यहाँ आते हैं तो अगर आपने जॉब के लिए गाड़ी लेनी तो आप गाड़ी ले सकें। तो गाड़ी इस टाइम तो कॉस्ट महंगी हुई है, गाड़ियाँ इस टाइम जो है वो महंगी हुई हैं। लेकिन अगर मैं रफली बात करूँ तो वैसे तो गाड़ी जो पहले अगर मैं कहूँ तो वो मिल जाती थी अराउंड $2,500-3,000 में, लेकिन इस टाइम आपको जो गाड़ी है वो ईज़िली $400 से $500 कॉस्ट करेगी। उससे बेहतर यही है कि आप आएँ, आप गाड़ी रेंट पर ले लें। पर वीक रेंट वेरीज़ फ्राम $140 to $180। छोटी गाड़ी लें, लेवल गाड़ी लें, गाड़ी चलाएं, ज़रूरत नहीं है बाई करने की स्टेट वे $400-500 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाड़ी रेंट पे लें और उस पर अपनी जॉब्स वगैरह हंट करें, यूनिवर्सिटी वगैरह उसी पे जाना शुरू करें। और साथ रेंट क्या चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप आते हैं और आप किसी शेयर्ड अकोमोडेशन की तरफ जाएंगे तो शेयर्ड अकोमोडेशन जो होगी दैट विल कॉस्ट यू अराउंड $700 से $800 पर मंथ। तो ये देख लें $700 आना है। ग्रॉसरीज की बात करूँ तो ग्रॉसरीज विल कॉस्ट यू अराउंड $300 to $400 पर मंथ। तो ये $1,200 हो गया,
फिर रेंट की बात करूँ तो 600-700 डॉलर रेंट होगा, तो 1500 से 2000 डॉलर जो है दैट इज़ द मिनिमम कॉस्ट जो आपको अपने साथ लेके आनी है, सो दैट यू गाइज विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। अगली बात करेंगे वो ये है कि लोग पूछते हैं कि कितना जल्दी हम ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी इस टाइम जुलाई इंटेक और मेरा वीज़ा ग्रांट हो गया तो डेफिनेटली अभी आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि यू हैव टाइम टू थिंक ओवर इट, आपको ट्रैवल करना ही है। सो मेक श्योर करें कि अपनी क्लासेस से पहले आप ट्रैवल कर जाएँ। लेकिन उन लोगों के लिए मैं बात करूँगा जो टारगेट कर रही हैं फरवरी 2023 की इंटेक, या जो लोग जिनका वीज़ा 4 से 5 महीने पहले ग्रांट हो जाता है, तो हाउ अर्ली यू गैस कैन ट्रैवल। इसके ऊपर कोई ऐसी लिमिट नहीं है या इसके ऊपर कोई ऐसी आप कह लें कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितना पहले ट्रैवल कर सकते हैं कितना पहले ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं अगर अपने केस से बात करूँ सो आई ट्रैवल लाइक 2 months बिफोर द स्टार्ट ऑफ माई यूनिवर्सिटी। मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी थी 4 मार्च को और मैंने 25 दिसंबर 2018 को ट्रैवल कर लिया था। उसमें यही है कि अगर आप जल्दी आते हैं तो 2-3 चीज़ें हैं दैट नीड्स टू बी नोटेड। उसमें होगा कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर यूनिवर्सिटी, क्योंकि सीए के ऊपर डेट्स होती हैं और वो ख़त्म होती है आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ। तो जब आप अगर आप पहले आ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को कॉन्टैक्ट कर लें, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस से आप बात कर लें और उनको बता दें कि यू हैव ट्रेवल्ड अर्लियर, तो जो भी एक्स्ट्रा 15-20 दिन होते हैं आपको उसके पैसे पे करने होते हैं विच इज़ नॉमिनल, या फिर उनको आप रिक्वेस्ट कर दें कि जो मेरी स्टार्टिंग डेट है उसको पुश बैक कर लें अगर आप पे इस टाइम नहीं करना चाहते। बट एट दी एंड यू हैव टू पे दी एडजस्टमेंट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप चीज़ को किस तरह टैकल करना चाह रहे हैं। एंड देन सेकेंड चीज़ है वो यही है कि आप आ तो सकते हैं, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, बट जो आपकी वीज़ा की कंडीशन है कि यू आर नॉट अलाउड टू वर्क लीगली बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर यूनिवर्सिटी, जब तक आपका कोर्स स्टार्ट नहीं होता यू आर नॉट अलाउड टू वर्क, आप काम नहीं कर सकते। अगर आप 2 महीने पहले भी आ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे कि यू आर इन्वॉल्व इन एन इलीगल एक्टिविटी। इलीगल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे कोई लॉ ब्रेक कर रहे हैं या आप किसी और काम में लगे हुए हैं, बट द थिंग इज़ कि अगर आपको लीगली अलाउड नहीं है वर्क करना तो मेक श्योर करें कि आप उस तरह काम नहीं कर रहे, दैट इज़ नॉट लीगल। तो बस आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी अगर आपने आना है तो आप 2 महीने पहले 3 महीने पहले, अगर बिलफर्ज आप 2 महीने पहले आते भी हैं तो 2 महीने पहले आने के लिए यू मस्ट हैव अ प्लान। आप प्लान ये कर सकते हैं कि आप आ जाएं, आप यहाँ पे घूमना फिरना कर सकते हैं, अगर आपके दोस्त यार ऑलरेडी हैं सो उनके साथ जाएं, टाइम स्पेंड करें, उनसे यहाँ की नॉर्मल रूटीन में सेट हो जाएं, इतने पैसे लेके हैं कि आपका महीने दो आराम से गुजर जाएं, घर ढूंढ लें, जॉब हंट कर सकते हैं। आप बता दें कि माय यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट, उससे पहले मैं जॉब नहीं कर सकता, तो अगर आपको जॉब मिलती है मेक श्योर करें कि आप जॉब ग्रैस्प कर लें। उसके अलावा आप अपने आप को यहाँ पे आके अपस्किलिंग में लगा सकते हैं, अपने रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, या उसके साथ आप यहाँ पे जो जिस तरह यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, 1 डे ट्रेनिंग कोर्स होता है, 2 डे होता है, क्योंकि आई एम अ सिविल इंजीनियर तो मुझे सिविल इंजीनियर्स का पता था, मैंने वीडियोस में बताया भी था कि आप वाइट कार्ड कोर्स कर सकते हैं, आप ट्रैफिक कंट्रोलर का कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द जॉब्स दैट एनीवन कैन डू। इसके लिए स्पेसिफिकली ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आप सिविल इंजीनियर ही हो, इफ़ यू आर फ्रॉम आईटी प्रोफेशन या इफ़ यू आर फ्रॉम अदर प्रोफेशन, आप वाइट कार्ड कोर्स करें प्लस ट्रैफिक कंट्रोलर कोर्स करें। जो वाइट कार्ड है दैट इज़ 1 डे कोर्स, ट्रैफिक कंट्रोलर का 2 डेज़ का कोर्स है, ये 3 दिन का आपने कोर्स करना है, एंड दैट कॉस्ट यू अराउंड कह लें 350-400 डॉलर। अगर तो इन द मीन टाइम यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले आप ये कर लेते हैं और अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो यू आर मोर देन गुड इनफ टू गो। फिर बात रही सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी की जॉब की रिक्वायरमेंट फॉर विक्टोरिया ये है कि आपको 1 साल अपने वीज़े पे यहाँ पे स्पेंड करना है, एंड देन आफ्टर वर्ड्स आपको 1 साल वीज़े पे रहता हो एंड देन यू आर एलिजिबल टू डू योर सिक्योरिटी कोर्स। तो सिक्योरिटी की जॉब इन द मीन टाइम आप नहीं ढूंढ सकते, नहीं कर सकते। सो इस चीज़ के बारे में जो लोग विक्टोरिया आ रहे हैं स्पेशली, या विक्टोरिया में मेलबर्न की बात करूँ मोर स्पेसिफिकली, जो लोग मेलबर्न या जीलोंग आ रहे हैं तो आप लोग सिक्योरिटी की जॉब अर्न नहीं कर सकते, लेकिन इन द मीन टाइम आप अपनी अपस्किलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा आपका जब वीज़ा ग्रांट हो जाता है और यू आर श्योर अबाउट दी ट्रैवलिंग डेट और आपने टिकट करा ली है तो मेक श्योर कि अकोमोडेशन एज सून एज पॉसिबल ढूंढ लें। विक्टोरिया की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सर्वे रिसेंटली इन्होंने कंडक्ट किया उसके अकॉर्डिंगली जो इनको डाटा मिला दैट इज़ जो रफली हंट टाइम है फॉर अकोमोडेशन यहाँ पे और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको 8 से 10 हफ्ते लग रहे हैं अकोमोडेशन ढूंढने में। उनकी अच्छी हिस्ट्रीज भी हैं, दे आर डूइंग गुड जॉब, लेकिन 8 से 10 हफ्ते का टाइम उनको लग रहा है। इनकी ऑफिशियल न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ चली थी कि 8 से 10 हफ्ते लग रहे हैं, एंड तब भी इफ़ यू आर लकी वन यू कैन गेट अ हाउस, नहीं तो 6 महीने आपको मिनिमम लग रहे हैं घर ढूंढने में लीज पे लेने के लिए। ऑब्वियसली बात है यू गाइस आर न्यू, लीज पे आप घर नहीं ले सकते, लीज पे घर कैसे लेना था क्या था वो प्रोसेस मैंने दूसरी वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट स्टिल जो लोग मुझसे पर्सनली पूछना चाहेंगे आई एम मोर देन हैप्पी टू गाइड यू गाइस के घर लीज पे किस तरह मिलना है, लेकिन स्टार्ट में लीज पे घर नहीं मिलता। सो द बेस्ट वे इज़ आप किसी जानने वाले के साथ शिफ्ट हो सकते हैं, आप किसी के साथ जिस तरह आपको कोई दोस्त यार है उसको जा सकते हैं, प्लस उसके साथ साथ आपके अगर कोई रेफरेंस है कोई दोस्त आगे है सो यू कैन शिफ्ट विद दैट गाय एज वेल। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा मेंशन करूँ। अकोमोडेशन मेक श्योर करें कि आप जो है एज सून एज पॉसिबल अपनी अकोमोडेशन ढूंढ लें, अदरवाइज यू गाइज विल बी इन ट्रबल, क्योंकि अकोमोडेशन ढूंढना आजकल थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी हुआ है।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ अकोमोडेशन के साथ साथ जॉब्स की, चलो बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं कि यार जॉब की जो बात कर रहे हैं, ये मैं वाकई आया था, मैं रोड क्रॉस कर रहा था, राउंड अबाउट था, तो गाड़ी वाला मुझे देख रहा था एंड स्माइलिंग कह रही है, वीडियो बना रहा है, तो वो स्लो डाउन हो गया, तो मेरा अखलाकी फर्ज बन गया था कि मैं थोड़ा भाग लूँ, उसको तंग ना करूँ। अच्छा हमको सिखा रही है। कमिंग बैक टू द वीडियो, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से गुजरता हूँ। मेरे घर के पास का इलाका है, इट्स अ ग्रीन लश एरिया, देखें ये सारा ग्रीन है। अगर वो पीछे नजर आए तो दैट कोल्स के मार्ट आल्डी शॉपिंग सेंटर है, ये बच्चों का वो है, आप कह लें अर्ली चाइल्डहुड स्कूल है, और उसके बाद वो पीछे पुलिस स्टेशन है, वो सामने पुलिस गाड़ी खड़ी है। सो दिस इज़ द एरिया जहाँ से मैं गुजर रहा था। तो खैर जॉब की बात कर रहा था, जॉब पे अगर वापस आएँ तो जो जॉब है ऊबर ईट्स के अकाउंट बनना बंद हो गए हैं, लोग परेशान हैं क्या करें। मैंने ऑलरेडी लोगों को कहा था कि मैंने लोग अकाउंट बनाने, शायद वहाँ पे अकाउंट बनना बंद हो गए हैं, आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये है कि जॉब कैसे ढूंढनी है, यहाँ पे है, अगर आपके रेफरेंस है कोई आपको जॉब दे सकता है तो मोर देन गुड, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही तो यू हैव टू कीप ट्राइंग ऑन दैट। यहाँ पे जो ऐप्स हैं जिस पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं, और जॉब्स की बात करूँ नॉट प्रोफेशनल, प्रोफेशनल के लिए सीख है, वो एक और वीडियो बनाऊंगा मैं कि आप किस तरह जॉब हंट करें, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स हम कर रहे हैं जिस वजह से हमें जॉब नहीं मिल रही, कौन सी गलतियाँ हम अवॉइड करें तो वी कैन ईजिली टारगेट द जॉब्स। बहरहाल गम ट्री पे चले जाएँ, वहाँ पे जाके आप जॉब ढूंढ लें, डोमेन पे चले जाएँ, वहाँ पे जाके जॉब ढूंढ लें। जो जॉब आपने कीवर्ड हंट करने हैं वो ये है कि डिलीवरी ड्राइवर, किचन हैंड जॉब्स, रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट डेस्क, उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि आप एज अ वेटर। ये मैं बता रहा हूँ कि इन वर्ड्स पे नहीं जाना आपने, इनकी जब जॉब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो दीज आर इजी जॉब्स। शुरू में आपको टफ लगेगा कि जब पाकिस्तान से आएंगे तो आप कहते हैं यार हमने जॉब नहीं की होती, सो इट विल बी हार्ड फॉर अस कि यार मैं कैसे जॉब ढूंढूंगा, मैं कैसे जॉब करूंगा, या मुझसे होगी या नहीं होगी। सो दैट इज़ ईजी, सिर्फ ये वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं जो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर आउट कर लूँ। मेक श्योर करें कि आप ये की वर्ड्स से जॉब सर्च करें तो आपको ईजीली जॉब्स मिल जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।